नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है रिव्यूज़ एंड रेसिपीज़ बाय रामेश्वरी। मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं और एक प्रोडक्ट रिव्यू। ये प्रोडक्ट है क्रेयम्स स्टेनलेस स्टील पूरी प्रेस, जो मैंने ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से। अभी आप देख रहे हैं अनबॉक्सिंग अमेज़ॉन पैकेज की। इसे ओपन करने के बाद हमें मिल रहा है ये पूरी प्रेस, और इसका प्रेस लीवर जो है वो अलग से मिल रहा है, जो हमें असेंबल करना पड़ेगा। इसके साथ स्क्रू वगैरह सब है। इस पूरी प्रेस मशीन के जो प्लेट्स हैं उनका डायमीटर है 7.5 इंचेस, और ये मैंने अमेज़ॉन से ₹600 प्राइस पे ऑर्डर किया है। यहाँ पर आप डेमो देख रहे हैं कि ये जो प्रेस लीवर अलग से दिया है उसे पूरी प्रेस मशीन पर कैसे फिक्स किया जाता है। यहाँ पर एक रबर का स्क्वायर टुकड़ा है जो हमें इस तरह से गैप में फिट करना है, और उस पर ये प्रेस लीवर जो है वो स्क्रू की सहायता से फिक्स कर देना है। इस पूरी प्रेस मशीन की सहायता से हम पूरी के साथ साथ इस पर पापड़ भी बना सकते हैं और टॉर्टिलास भी बना सकते हैं, और अगर आप छोटे छोटे फुलके खाते हो तो छोटे छोटे रोटीस भी आप इस पर बना सकते हैं। ये पूरी प्रेस मशीन जो है वो बना है हैवी ड्यूटी कास्ट आयरन से, जिस पर अंदर की तरफ से दो स्टेनलेस स्टील के प्लेट्स लगाए गए हैं। इस पूरी प्रेस मशीन को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, और उसके साथ साथ इसकी सफाई करना भी उतना ही आसान है। नॉर्मल आप साबुन से नल के नीचे डायरेक्ट पानी डालकर इसे साफ़ कर सकते हैं। ये रस्ट फ्री स्टील से बनाया गया है, और इसको नीचे से 4 रबर ग्रिप्स हैं। मेरे हिसाब से अगर नीचे से इसको वैक्यूम प्रेस रहता तो जब हम इसे ओपन करते हैं तो ऊपर की जो प्लेट वो हैवी होने के कारण वो टेढ़ा हो जाता है। प्रेस मशीन जो है अगर उसको वैक्यूम बेस होता तो वो स्टेडी रहता। अब हम देखने वाले हैं पूरी प्रेसिंग का डेमो। प्रेस करने के बाद आटा दोनों प्लेट्स को चिपके नहीं, इसके लिए मैंने इस पर इन दोनों प्लेट्स पर पहले तेल लगाया है। ये देखिए, ये जो गोला है आटे का वो मैंने रखा है और बस दो बार प्रेस किया है, और ये पूरी हमारी फ्राई होने के लिए रेडी है। मैंने आटा गूंथते वक्त आटे में तेल डाला था, जिससे कि मेरा आटा जो है वो सॉफ्ट बने। ध्यान रखना है कि आटा स्टिकी नहीं होना चाहिए, चिपचिपा नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने मीडियम आकार के गोले बनाए, और हर बार गोला बीच में रखने से पहले मैं दोनों प्लेट्स पर तेल का हाथ लगा रही हूँ, ताकि हर पूरी जो है वो अच्छे से प्रेस हो और प्लेट्स को चिपके नहीं। इस पूरी प्रेस मशीन की ऊपर की जो प्लेट है वो बहुत ही हैवी है, वो इसलिए ताकि हम जब प्रेस करें तो वो उस प्लेट के वेट की वजह से वो हमारा आटा जो है वो प्रेस हो जाता है। अगर इस प्रेस मशीन को नीचे से वैक्यूम बेस होता और वैक्यूम बेस की वजह से अगर अच्छी पकड़ होती तो जब ये हम खोलते हैं ना तो ये टेढ़ा हो जाता है, और वेट की वजह से एक साइड में टेढ़ा होके रुकता है। तो अगर उसको वैक्यूम बेस होता तो वो स्टडी रहता प्रेस मशीन। ये एक खामी लगी मुझे इस प्रेस मशीन में, तो आसान लग रहा है मुझे इस पर पूरी प्रेस करना, क्योंकि पूरी बनाने में
बेलने में बहुत ही समय जाता है। तो अगर आप आटा अच्छे से गूंदे तो इस पर पूरी प्रेस करना आपका समय बचा सकता है। अमेज़ॉन ऐप पर और भी अलग अलग ब्रांड्स के पूरी प्रेस मशीन है, लेकिन मैंने ये मशीन इसलिए चुना क्योंकि इसका डायमीटर जो है बड़ा है। तो उन्होंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि इस पर आप रोटी भी प्रेस कर सकते हो, लेकिन मैंने अभी तक कोशिश नहीं की है। मुझे पूरी के लिए परफेक्ट लग रहा है। और उन्होंने डिस्क्रिप्शन में दिया है कि आप इस पर पापड़ भी बना सकते हो, तो मैंने तो कभी पापड़ बनाए नहीं है, लेकिन ऐसा दिया है उन्होंने कि ये पापड़, टॉर्टिलाज और रोटी और पूरी के लिए प्रेस मशीन है। तो ये देखिए, मेरे पूरी जो है वो परफेक्ट सॉफ्ट और टेस्टी बने हैं। अब आप देख रहे हैं ये डेमो मैनुअल क्लीनिंग का। मैंने स्कॉच ब्राइट पर साबुन लेकर नल के नीचे नॉर्मली जैसे हम धोते हैं वैसे ही इसको साफ़ किया है। सिर्फ तेल लगा था इस पर और आटा बिल्कुल भी नहीं चिपका है। तो साफ़ करना ये देखिए बहुत ही आसान है। क्रेयम स्टेनलेस स्टील पूरी प्रेस एक ओके प्रोडक्ट लगा मुझे। अगर इसे वैक्यूम बेस होता तो ये परफेक्ट होता। अगर इस प्रोडक्ट से संबंधित आपके कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और इसी तरह के प्रोडक्ट रिव्यूज़ के लिए देखते रहिए मेरा चैनल रिव्यूज़ एंड रेसिपीज़ बाय रामेश्वरी। हंसते रहिए, हमेशा खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।